थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसको मेरे बेटे बड़े अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरा बेटा ध्यान से सुनिएगा, और कंप्लीट कोर्स के लिए आप पेरियस में जा सकते हैं 9th क्लास फिजिक्स में, तो आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो अगेन मेरे बेटे, सबसे पहले तो मैं इसकी स्टेटमेंट की बात करता हूं। स्टेटमेंट आपको क्या बताती है? टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन There is always a reaction. हर एक्शन का रिएक्शन है। अब सबसे पहले तो एक्शन और रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि एक्शन किसे कहते हैं और रिएक्शन किसे कहते हैं। टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देर इज ऑलवेज एन इक्वल कह सकते हो, देर इज ऑलवेज एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सबसे पहली बात, मुझे एक्शन और रिएक्शन का पता होना चाहिए। मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मेरे बेटे, आप ये सपोज कर लें, कंसिडर कर लें कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर आपके पास एक बुक पड़ी हुई है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या पड़ी हुई मेरा बेटा? बुक। अब जरा गौर करो, मैंने एक टेबल और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लिया? बुक। एक्शन और रिएक्शन को डिफाइन करते हुए आपने दो ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है। कितने ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है मेरा बेटा? दो की। अब मेरे बच्चे, हमें सबको पता है कि बुक अपने वेट के अकॉर्डिंग वर्टिकली नीचे फोर्स लगाएगी, ठीक हो गया मेरे बेटे? इसको आप नाम दे दें ए का, और इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दें बी का। अब मेरे बेटे, ए ऑब्जेक्ट ने, यह आपकी मर्जी है किसको एक्शन का नाम देते हो, ए ऑब्जेक्ट ने ए ऑन बी फोर्स एग्जर्ट की मेरा बेटे, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया एक्शन। अब रिएक्शन के तौर पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल एक जैसी इक्वल फोर्स लगेगी। अब यहां पे आपने बात की बुक ऑन टेबल, बुक ने टेबल पर फोर्स लगाई, बुक ने टेबल पर फोर्स लगाई। रिएक्शन में मेरे बेटे क्या होता है? रिएक्शन में मैं लिखता हूं मेरे बेटे, अब ये टेबल है, ये टेबल भी रिएक्शन के तौर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जैसे कि मैं दीवार को भाई धक्का लगा रहा हूं। अब ये मूव करे ना ये ना करे, मेरा इसे कंसर्न नहीं है, मेरी फोर्स तो लगा रही है। अब मेरे बेटे, बुक ऊपर की तरफ जाती या नहीं जाती, इसके साथ कंसर्न नहीं, लेकिन फोर्स तो लगेगी ना मेरा बेटा। सो यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में बी ऑन ए एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को मेरे बेटे, अब यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट टेबल ऑन बुक, टेबल ऑन बुक, इस फोर्स को मेरे बेटे हमने क्या नाम दे दिया? रिएक्शन का। क्या नाम दे दिया? रिएक्शन का। अब एक रिएक्शन, एक्शन आपका क्या आ रहा था? डाउनवर्ड। रिएक्शन क्या जा रहा है? अपवर्ड। तो दोनों में अगर देखो मेरे बेटे, मैं ये कहता हूं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी कितनी होगी मेरा बेटा? 5 न्यूटन की फोर्स होगी। लेकिन लेकिन दोनों में डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आपको किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना होगा। लगा दिया, ये आ गई एक्शन, इसको आप क्या कह लो? रिएक्शन। भैया भाईजान, आप इसको एक्शन कर लें, इसको रिएक्शन कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया मेरा बेटा? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगेन एक और बात, रॉकेट की मूवमेंट को आपने देखा होगा, और बड़े अच्छे से आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एक रॉकेट में 20% एक्सप्लोसिव मटीरियल होता है और 80% उसमें फ्यूल होता है। कितना होता है मेरा बेटा? 80% फ्यूल। आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ गैस,
बर्निंग ऑफ गैस, एक्शन की फोर्स लगाती है मेरा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब ये देखो बर्निंग ऑफ गैस में डाउनवर्ड फोर्स लगाई. अब ये तो फोर्स लगी गैसेस की नीचे की तरफ, अब नीचे से फोर्स लग रही है किसको, रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में. तो उसे क्या नाम देंगे मेरा बेटा, रिएक्शन. ये भी हो गया. फिर आपके पास एक बैलून है, बैलून में आपने उसको इन्फ्लेट किया हुआ है, भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, चाहे वो हीलियम है या दूसरा बैलून है. अब होता क्या है कि आप उसके पॉइंट से हवा को बाहर निकाल, अगर हवा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेशेट हो रही तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा, एक्शन एंड रिएक्शन, बलून टू द एयर एंड एयर टू द बलून. एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. हर एक्शन का रिएक्शन है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब कुछ लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्ट भी करते हैं, ये जी मेरे पास बुक है, बुक फोर्स लगा रही है एक्शन है, बुक ऊपर की तरफ आ रही है तो ऐसे नहीं. दो ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है, आपने बॉल को बाउंस किया, फेंका दीवार की तरफ, आपने फोर्स लगाई बॉल के ऊपर, तो मेरा बेटा वो आपका क्या हो गया, एक्शन. ये आपका एक्शन है. दीवार बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो आपका क्या होगा, रिएक्शन. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरफ बात करनी है, एक एक्शन लगा रहा है दूसरा क्या कर रहा है, रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है. तो ये है मेरा बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. समटाइम ये होता है मेरे बेटे कि कुछ लोग, वैसे हमारे टीचर को बात करते थे, उनका नाम भी नहीं खरा, कि गधे के ऊपर कुछ लॉज है ना वो वैलिड नहीं होते, कि आप गधे को आगे की तरफ खींच रहे होते हो पीछे की तरफ जा रहा होता है. सो ये एक फन के लिए मैंने कहा. खैर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह अगेन आपको मिल जाएगा. और मजीद लेक्चर्स के लिए जैसे कि आपको सर आपको प्लेलिस्ट में जाना होता है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देख सकते हैं, नाइन्थ सॉरी ट्वेल्थ कह रहा हूँ, लेक्चर्स देख सकते हैं, नाइन्थ के भी हैं, टेंथ के भी हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री पुराने पाक की रेसिटेशन भी है, नॉट सी टीचर एवरीथिंग. और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ MMN चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. खुश रहें, जीते रहें, आवाज रहें. अल्लाह हाफिज़.